हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 20 जनवरी का आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें मुझे जीके के कंप्यूटर में के और साथ में साथ आपको मैथ्स के भी, क्योंकि कुछ डिमांड थी सर मैथ और रीजनिंग का भी बताएंगे, तो मैथ के भी मुझे जो एकदम ऑथेंटिकेट क्वेश्चन मिले एक दो क्वेश्चन है और रीजनिंग के मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि आईपीएल 2020। देखिए मैं बार बार कह रहा था कि आप आईपीएल के क्वेश्चन देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, तो वो देखिए हो गया। आईपीएल 2020 में जो आपको ऑरेंज कैप मिला है वो किसे मिला है, ठीक है। ऑरेंज कैप किसे मिला है, तो ये मिला है केएल राहुल को। किसे मिला है, केएल राहुल को। अच्छा ये ऑरेंज कैप मिलता है, मिलता क्यों है कि जो पूरे अपना मतलब टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है, ठीक है। अच्छा और हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ ले पर्पल कैप, तो पर्पल कैप जो मिला है वो कगिशो रबाडा को मिला है जो कि किससे थे, दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे, ठीक है ओके। और ये और केएल राहुल किससे थे, तो ये पंजाब से थे और पंजाब के कैप्टन भी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, बाकी और रिलेटेड बातें देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लीज आप देख लीजिएगा, अपकमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष है ना, महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी आपकी कौन, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2007 में, ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं फालतू ही था, नोबेल प्राइज है ना, नोबेल प्राइज 2007 में शांति के लिए नोबेल प्राइज, शांति में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज जो मिला है वो किसे मिला है, तो मिला है अल्बर्ट अर्नोल्ड को। किसे मिला है, अर्नोल्ड को आपको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है ना, या फिर पीस प्राइज कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाई मतलब सी लैंग्वेज किसके द्वारा खोज किया गया था, खोजकर्ता कौन थे, तो डेनिस एम रिची थे आपके सी लैंग्वेज के खोज करता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो साइंटिफिक नेम, दो साइंटिफिक नेम आया था, बट एक थोड़ा घुमा के पूछा था, एक तो डायरेक्ट पूछा था कि जो आपका राइस का साइंटिफिक, नहीं क्या था, किसी एक का साइंटिफिक नेम पूछा था, वीट का, वीट साइंटिफिक नेम मतलब गेहूँ का साइंटिफिक नेम है ना, गेहूँ का साइंटिफिक नेम ये पूछा था, साइंटिफिक नेम है ना, तो हिम आपका गेहूं का जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम हो जाएगा, ठीक है, ट्रिटिकम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। और एक जो आपका होमो सेपियंस नाम दिया गया है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, वो किसके द्वारा दिया गया ऐसा पूछा गया था है ना, तो होमो सेपियंस नेम गिवन बाई तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल लिनियस के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि आपका गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो दो क्वेश्चन आए पूछा गया था, देखिए गांधी जी से दो, गांधी जी इस बार आपको निराश नहीं किए हैं है ना, कि गांधी जी से आपका दो क्वेश्चन पूछ लिया गया, पिछली दो तीन शिफ्ट से गांधी जी निराश कर रहे थे आपको, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, बट आपको इस बार नहीं निराश किए हैं है ना, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार चलाया था है ना, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में कौन सा अखबार चलाया, या आपका कह सकते हैं अखबार चलाया, या फिर अखबार को मंजूर मतलब अखबार इनके द्वारा जो चलाया गया था वो क्या था, तो वो थे क्या था, इंडियन ओपिनियन, सिंपल लिख लीजिए ओपिनियन, ठीक है।
तो गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में कौन सा अखबार चलाया गया था, तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा क्यों दी गई थी, है ना। ये था राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी सजा, है ना, फांसी की सजा क्यों दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा इस वजह से दी गई थी क्योंकि काकोरी कांड जो हुआ था आपका, मतलब काकोरी में जो ट्रेन वगैरह लूटा था तो उसी की काकोरी कांड की वजह से राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, काकोरी कांड, है ना, काकोरी में आपका जो ट्रेन वगैरह लूटे थे ये लोग, है ना, तो इसी की वजह से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि बहुत आसान था, कंप्यूटर खोजकर्ता कौन है, कंप्यूटर के जनक या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर खोजकर्ता कौन है, तो ये है आपके चार्ल्स बैबेज। कौन है? चार्ल्स बैबेज। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा जानबूझ के लिखा हूं ताकि आपको क्वेश्चन विजिबल रहे अच्छे से। ठीक है, ओके, मैं इसका स्क्रीन जल्दी से रफ करता हूं ताकि रिमेनिंग क्वेश्चंस को अच्छे से राइट कर सकूं। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन लगभग मिल गए हैं, आपको खुद पता चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि आपका जो गिरी नेशनल पार्क है ना, गिरी नेशनल पार्क, डायरेक्ट नहीं पूछा था कहां पर है, बल्कि ये पूछा था किसके लिए प्रसिद्ध है। गिरी नेशनल पार्क पूछा था किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैं बता दे रहा हूं, गिरी नेशनल पार्क जो है ये आपका गुजरात में है, पहली बात गुजरात में है, ये ट्रिक मैंने बताया, मेरी ब्लैक भैंस गिर के गुजर गई, सारी चीज में आ गई। ठीक है, तो मरीन हो गया, जैसे मेरी से मरीन, ब्लैक भैंस तो ब्लैक, ऐसे करके मुंजदा करके एक पार्क है गुजरात में, और गिर से गिर के गुजर गई, तो गिर तो आपका हो गई, गुजर का मतलब गुजरात हो गया। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है आपका ये। ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। एशियाटिक लायन। ठीक, अच्छा, और हो सकता है ये भी पूछ ले काजीरंगा, तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, कहां पर है, कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। आगे जो क्वेश्चन है आपसे पूछा था कि ब्लड ग्रुप, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है तो स्टार बना के दूंगा, है ना, कि लेकिन आसान है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, यही था, हाँ, ब्लड ग्रुप है ना, ग्रुप किसके द्वारा खोजा गया, तो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा, है ना, काफी आसान भी है, और एक ही ने भेजा था स्टूडेंट ने, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ना पूछा गया हो, तो स्टार बना दिया मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, हाँ, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, है ना, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर, तो ये आपका है तो ये फिलीपींस में एक जगह है, लाओस बेनोस फिलीपींस, है ना, ये आपका क्या है, चावल का आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इंटरनेशनल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था इंडिया, हाँ, बुक से आया था, इंडिया डिवाइडेड बुक के राइटर पूछा था, तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, मैंने बता ही दिया, और ये भी हो गया, हाँ, ये देखिएगा, पूछा था आपसे उज्ज्वला योजना जो है, ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वला योजना से, अब ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, बहरहाल पूछा क्या था, मैं दो ही चीज पूछ सकता, या तो ये पूछा होगा कब शुरू हुआ, और या फिर ये किसके लिए था, तो ये था आपका 2015 में पहली बार शुरू हुआ, है ना, और ये क्या था, LPG कलेक्शन, पूरे देश में LPG कलेक्शन होल कंट्री, है ना, LPG कनेक्शन होल कंट्री, है ना, इसका उद्देश्य यही था इस योजना का। ठीक है,
अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था बहुत आसान था, अगर जो पूछा था तो, कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती। मैं सिंपल बस को बता नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो था आपका कि आरबीआई के गवर्नर है ना, आरबीआई के गवर्नर पूछा था है ना, गवर्नर कौन हो जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन। शक्तिकांत दास कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास हो जाएंगे, रिपीटेडली क्वेश्चन माना जाएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था श्रीलंका के राष्ट्रपति, ठीक है। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपका गोटाबाया राजपक्षे, है ना, गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके श्रीलंका के आपके सिंपल क्या राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि औद्योगिक मतलब ऐसा कुछ था यूनिट जो आपके बिजली वगैरह आता है मतलब घर में, उसकी यूनिट शायद पूछा था, वो होता क्या है। तो वन यूनिट जो होता है, यूनिट में कितना होता है, तो 1 किलोवाट आवर होता है, मतलब एक घंटे अगर जो 1 किलोवाट आवर का कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके घर में, उसको एक मतलब उसकी पावर जो वो 1 किलोवाट है, तो अगर 1 किलोवाट आप एक घंटे तक जलाएंगे तो 1 यूनिट आपके घर में बिजली की खपत आएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, बट ये था कि 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट था, ऐसा कुछ करके था औद्योगिक कुछ ऐसे कथा का, बस इतना आप समझ जाइए कि ऑप्शन आपको ये दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो था जस्ट ए मिनट, हाँ, इंडिया गेट के वास्तुकार या डिजाइनर पूछा था, ठीक है। तो इधर मैं राइट कर देता हूं, इंडिया गेट डिजाइनर या फिर वास्तुकार डिजाइनर। तो डिजाइनर जो थे ये क्या थे, ये थे आपका इडविन ल्यूटेंस LUTYENS, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, एडविन ल्यूटेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो था कि हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से क्वेश्चन आया था, है ना, बट ये स्टार बना के दूंगा, एक ही स्टूडेंट ने बोला था, तो स्वर्णिम जो मुझे एक ही मैसेज आता है उसको मैं स्टार बना के दे देता हूं, ताकि आप उसके बारे में एकदम कंफर्म ना हो, बट था तो हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज योजना, ठीक है, तो ये आपका जैसा नाम है वैसा ही काम है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मतलब देखिए दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है, तो 1 2 3 4 चार हो गया ना, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है, चार को ये जोड़ता है। अच्छा, और इससे क्या पूछा था, ये योजना कब आई थी, तो 2012 में, इसी में से कुछ पूछा रहा होगा, ठीक है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो था आपका जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए, एक डेजर्ट से आया था, ध्यान दीजिएगा, डेजर्ट से क्वेश्चन पूछा था, इधर की चीजें आपके लिए विजिबल है या नहीं, ओके, हाँ चलिए यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी तो है। तो ये था आपका क्या था, टकला मुकन, है ना, ऐसे करके था एक डेजर्ट, TAKLAMUKAN, टकला मुकन डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, चाइना में है, कहाँ पर है, चाइना में है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, और हाँ एक क्वेश्चन ये भी आया था ब्रिक्स से, तो ब्रिक्स से आपका क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, बट आई थिंक यही पूछा रहा होगा, मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रिक्स का पहले पूरा नाम ही जान लो, तो ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका आया था, कब आया था, 2010 में, और जो ब्रिक्स फॉर्म हुआ था वो हुआ था 2003 में, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये इसी में से कुछ पूछा रहा होगा, नहीं ये 2003 नहीं था, 2006 था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, कमेंट करके बताइएगा अगर 2006 नहीं था, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही था, साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में आया था, ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, रसिया हो जाएगा और ब्राजील हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन और एक आपसे पूछा था, वो था क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया है ना, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य मैंने अपने ट्रिक में बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है ना, मौलिक कर्तव्य आपका रसिया से लिया गया, किससे लिया गया है, रसिया से लिया गया, ठीक है।
ओके okay. अब मौलिक अधिकार की अगर जो बात करें तो मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और नीति निदेशक तत्व किससे लिया गया है आपका, आयरलैंड से। कैसे याद करेंगे, देखिए नीति निदेशक, तो निदेशक में नीद आ रहा है ना, और नीद किस पर आता है, लैंड पर आता है ना, तो आयरलैंड, लैंड मतलब नीद, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या आता है आपका, और एक और था गणतंत्रात्मक व्यवस्था, है ना, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था किससे लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया। कैसे याद करोगे, देखो गणतंत्रात्मक तो इसमें गणित आ रहा है ना, गणित में आप फंस जाते हो, तो फ्रांस। ऐसे मैंने लगभग लगभग जितने भी आपके हैं सब कुछ जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जहाँ से लिया गया सबके लिए ट्रिक बनाया हूँ। आप चाहिए तो लिंक हमसे कमेंट में मांग लीजिए, वहाँ मैं दे दूंगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जीके जीएस ट्रिक मिलेगा लिंक, एक बार जरूर देखिएगा, 50 ट्रिक है, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। ओके अच्छा, और देख लेता हूँ मैं एक आध क्वेश्चन, और एक कोई जल डमरू मंडल से आया था बट वो कन्फर्म नहीं हो पाया, प्रशांत महासागर था क्या, मलक्का था क्या उसमें ऑप्शन में, बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर ऐसे करके है इसका मलक्का, बाकी कन्फर्म करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इंडिया गेट मैंने बता ही दिया गया, और शांति के लिए हो गया, और एक कोई क्वेश्चन इससे भी आया था शायद, जस्ट अ मिनट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चीफ एडवाइजर कौन थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, असेंबली चीफ एडवाइजर, चीफ एडवाइजर तो कौन थे, ये सबको पता होगा, बीआर अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ एक क्वेश्चन ये भी आया था, महात्मा गांधी, मैंने कहा था ना दो क्वेश्चन आया था आपको महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी से एक ये आया था कि जब वो वहां से आए थे साउथ अफ्रीका से, तो पहला आंदोलन उन्होंने क्या किया था, तो इसके लिए तो मैंने आपको सारी ट्रिक बताई, क्या चंपा खेड़ा के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी नहीं भागे, सबसे पहले क्या आया चंपा, तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया था उन्होंने, चंपारण किया था, कब किया था, 1917 में किया था, क्यों किया था, नील की खेती के विरोध में किया था, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद खेड़ा किया था, उसके बाद खिलाफत किया था, ठीक है, तो ये सब उस ट्रिक में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, ना मिले तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। ये हो गया, बस गाइस ये थे आपके पूरा जीके के क्वेश्चन, अब मैं आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग का और क्या कहते हैं मैथ्स का आपको बातें बता देता हूं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेरे पास आए भी हैं तो उनको मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आप स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिए होंगे, नहीं लिए थे तो एक बार जब मैं हटा था थोड़ा सा पीछे करके आप वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये आया था, वन प्लस नहीं पहले उसका देख लेते हैं क्या कहते हैं, ये था आपका डाइस से पूछा था, ठीक है, डाइस से क्वेश्चन था, क्या था आपका, जस्ट अ मिनट, सी ई एफ और क्या था डाइस का, था काफी आसान था, बी ए एफ, ठीक है। अब इसमें किसी का अपोजिट पूछा था, कंफर्म नहीं हो पाया, बट इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं क्या सिखाया, दोनों जगह से कॉमन उठाओ, तो कॉमन क्या है एफ, और यहां भी क्या है F, तो F F लिख दिया, फिर इसको घुमा दो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा E होगा, और E के बाद क्या होगा C होगा, ठीक है। फिर F के बाद इसको जब घुमाओगे तो A होगा, और A के बाद क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें से पूछा था आपसे शायद E का पूछा रहा होगा, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा A हो जाएगा, या फिर B का अपोजिट क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब ये अगर जो कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसमें दिया ही नहीं है उसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल आपसे E का अपोजिट पूछा था जहां तक, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपका रीजनिंग का था, और रीजनिंग में आपका आप क्लॉक भी पूछा जा रहा है, ठीक है, और क्यूब क्यूबॉइड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, और सी लॉग से तो दो ही पूछा गया ही है आपका। और मैथ के आपका एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ए प्लस बी किसी काम को आपका 6 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसी वजह से मैं कहता हूं कि मुझे इस पे गुस्सा लगता है, मतलब मैथ वगैरह क्वेश्चन करना, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता ना। और सी प्लस ए आपका दिया था, सी प्लस ए दिया था 15 डेज, है ना, अगर ऐसे हैं तो तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो सिंपल क्या करो, पहले तीनों का वर्क निकाल दो, तो इसके लिए एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या हो जाएगा सिंपल, 15 दुना 30 45 60, कितना हो जाएगा 60, ठीक है, कितना आएगा 10, 12 पंचे 60, 15 चौ 60, क्लियर। अब यहां से जो आएगा सबको जब ऐड करोगे तो ए ए दो बार, बी बी दो बार, सी सी टू बार, तो कितने टाइम्स, 2 times ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क, तो कितना 60/10, 5, 15, 4, 10, 5, 15, 4, 19, कितना आएगा 19, ठीक है। अच्छा अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी के जब निकालना होगा तो क्या करोगे, इस 2 को कहां भेज दोगे, यहां भेज दोगे, तो 60/19 अपॉन, मतलब ये 19 into क्या, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 30
8। अब ये तो नहीं रहा होगा, बहरहाल जो भी ऑप्शन हो लगेगा ये ऐसे ही, ठीक है। अच्छा तो यही था कि ए प्लस बी इतने दिन में करते हैं, बी प्लस सी इतने, तीन और सी और ए मिलके इतने दिन में, तो तीनों मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इतने दिन में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री से काफी बन रहा है क्वेश्चन, ये पूछा था 1 प्लस क्या था, टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट 75 और टेन 75, इसकी वैल्यू आपसे पूछा था, ठीक है। तो क्या करोगे इसको, सिंपल देखो इसको क्या करोगे, जैसे आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा जो होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहां से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा और ये क्या होता है, जो cot 90 माइनस थीटा होता है 10 होता है, या 10 90 माइनस cot होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 प्लस दिया हुआ है तो इसको 10 में चेंज करते हैं, तो 10 में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो cot 90 माइनस, अच्छा यहाँ 15 दिया हुआ था क्या, हाँ 15 होगा, ठीक है। तो tan 90 इसको कितना लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तो आपका 15 जब माइनस करेंगे तो 80-75, ठीक है। तो और ये कितना आ जाएगा, tan 15 आ जाएगा, क्योंकि वो इतना है ही। तो देखो 1 प्लस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा कितना आया, tan 15 है, और यहाँ भी कितना है, tan 15 है, ठीक है। हो सकता है डेटा डिफर दिया हो, बट लगेगा ये ऐसे ही, दो फार्मूला यूज होगा, एक ये वाला, एक कोई भी 90 माइनस थीटा उसका जस्ट अपोजिट आता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 15, ठीक है, इसका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना मिलेगा, 10 स्क्वायर 15 मिलेगा, और 10 स्क्वायर 15 का मतलब क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता क्या, sec स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 15, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग कहे थे, एक दो लोग बार बार कमेंट करते थे सर बता दी, तो मैंने सोचा कि जब मिल गया है क्वेश्चन तो क्यों ना बताया जाए। ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन बट कंफर्म नहीं होता, देखिए यहाँ पे डेटा वगैरह थोड़ा सही करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि याद नहीं रहता किसी को, कोई भी होगा वो शहर कोई भूल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों के लिए, मैंने तो आज थोड़ा बहुत मैथ और रीजनिंग भी डिस्कस किया, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं और आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड एज वेल एज टू विजिट इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगी, ठीक है। और उन लिंक्स पे आप जब क्लिक करेंगे, जैसे करंट अफेयर मिल जाएगा, आईपीएल वाला देखो मिलेगा, जीके जी एस ट्री मिलेगा, रीजनिंग देखो मैं रीजनिंग पूरा 11 घंटे की वीडियो में पूरा खत्म कर दिया हूँ, तो वो भी वीडियो में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसी लगी, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।